नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक गंभीर आरोप लगा है। आरोप में कहा गया है कि प्रेशर में आकर फेसबुक ने हेट स्पीच से जुड़े नियम भारत पर लागू ही नहीं किए। यह दावा वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक खबर में किया गया है। खबर के मुताबिक फेसबुक की टॉप पब्लिक पॉलिसी एग्जीक्यूटिव ने ही ऐसा करने से मना कर दिया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत में फेसबुक के एक शीर्ष अधिकारी ने बीजेपी के एक नेता और दूसरे हिंदू राष्ट्रवादी लोगों और समूहों की नफरत भरी पोस्ट को लेकर उन पर फेसबुक के हेट स्पीच नियम लगाए जाने का विरोध किया था। इन लोगों की ओर से फेसबुक पर पोस्ट किए गए कंटेंट को आंतरिक रूप से पूरी तरह से हिंसा को बढ़ावा देने वाला माना गया। इसके बावजूद फेसबुक ने इस पर कार्रवाई नहीं की। दावा किया गया है कि फेसबुक इंडिया की पब्लिक डायरेक्टर अनखी दास ने कर्मचारियों से कहा था कि बीजेपी नेताओं पर सख्त एक्शन से भारत में उनके बिजनेस को नुकसान पहुंच सकता है। आपको बता दें कि यूजर्स की तादाद के हिसाब से भारत सबसे बड़ी ग्लोबल मार्केट है, इसलिए फेसबुक ऐसा नहीं चाहता था। फेसबुक के भारत में सबसे ज्यादा यानी 346 मिलियन यूजर्स हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा करके अनखी दास ने सत्ताधारी पार्टी का साथ दिया, जो पक्षपात जैसा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।